नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और आज हम इस वीडियो में एक देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों में से एक पुरानी पेंशन की बहाली और जो राष्ट्रीय पेंशन नीति है, नेशनल पेंशन स्कीम जिसको न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, उसके खिलाफ देश के लाखों कर्मचारी क्यों हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है और कर्मचारी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को समझे तो बीते कुछ सालों में देश भर में जिस तरीके से बड़े बड़े आंदोलन पुरानी पेंशन बहाली को लेकर हुए, खासकर पिछले कुछ महीनों में अगर हम दिल्ली राजधानी की ही बात करें तो रामलीला मैदान में 3 ऐतिहासिक रैली हो चुकी है जिसमें लाखों की संख्या में कर्मचारी दिल्ली पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में उनकी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन किसी भी हाल में बहाल की जाए और न्यू पेंशन को रद्द किया जाए, न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके उसको वापस लिया जाए। सब एक मांग जो कर्मचारियों की देश व्यापक रूप से ये दिखती है। और सिर्फ ये नहीं, जो 3 रैलियाँ हुई हैं इसके बावजूद भी इस महीने में भी अगर देखें तो आने वाले समय में 3 बड़ी रैलियाँ हमको दिखती हैं। एक 3 नवंबर को देश भर के सरकारी राज्य सरकार के केंद्र सरकार के कर्मचारी दिल्ली पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान में, एक और बड़ी रैली होने की तैयारी कर रही है जो सरकारी कर्मचारी यूनियन है वो। इसके अलावा फिर आप जब देखेंगे इसके 3 तारीख के बाद 8 तारीख को महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के राज्य के सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी महाराष्ट्र में जिला स्तर पर अपने परिवारों के साथ जिला और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद हम 10 तारीख को फिर देखते हैं, 10 तारीख को फिर देश भर के कर्मचारी एक अलग यूनियन के साथ दिल्ली पहुंचेंगे, उसमें भी लाखों कर्मचारियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। तो अब सवाल उठता है, जो ये सभी लोग पुरानी पेंशन बहाली क्यों चाहते हैं और नई पेंशन को रद्द क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि जब हमें याद है जब नई पेंशन स्कीम लाई जा रही थी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान, उस समय बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे इसको लेके, जो ये जो पेंशन है ये कर्मचारियों की तकदीर बदलने वाला होगा एक तरीके का, क्योंकि अभी एक निश्चित राशि मिलती है लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है, एक लिमिटेड पैसा ही मिलता है, लेकिन इस मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से जो पैसा बढ़ेगा और बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों को वापस दिया जाएगा, ये बहुत बड़े बड़े वादे करके ये स्कीम लाई गई थी। 2003 में ये फैसला हुआ था, 2001 जनवरी 2004 से ये लागू है, आज 2023 के आखिरी में हम हैं। इस समय इस पेंशन स्कीम के जो फ़ायदे बताए गए थे कर्मचारियों को, कर्मचारियों ने सारे फ़ायदों को नकार रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, बल्कि उनकी पेंशन के हक को मिटाया जा रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है, जो न्यू पेंशन स्कीम है क्या? न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो ये 1 जनवरी 2004 से लागू है देश में। इसके तहत कर्मचारियों को एक अंशदान पेंशन स्कीम में डाला गया जिसके तहत कर्मचारियों की तनख्वाह का 10% जमा करती थी सरकार एक फंड में और उस और सरकार भी अपना उसमें 10% का हिस्सा देती है और उस पैसे को फिर इन्वेस्ट किया जाता है और जितना पैसा जमा होता है वो पैसा फिर बाद में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वापस देने की बात कही गई थी। न्यू पेंशन स्कीम को कंट्रोल करने के लिए स्वतंत्र एक बॉडी बनाई गई जिसमें इसका पैसा ज़्यादा था और उस पैसे का फिर बाद में पेंशन के तौर पर इस्तेमाल होता था, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था, वो है पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण, PFRDA, जिसको आसान शब्दों में PFRDA कहा जाता है। इसी में सारा NPS का पैसा जमा है, उस पैसे का अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट होता है और उसको फिर बाद में कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अब आते हैं जो दोनों पेंशन स्कीम में मूल रूप पे अंतर क्या है और इसका कर्मचारी क्यों विरोध कर रहे हैं। जो न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन की कोई निश्चित रकम नहीं है, जो कर्मचारियों को इतनी रिटायरमेंट पर इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, जो कि पुरानी पेंशन में हुआ करता था। पुरानी पेंशन में था जो आपका आखिरी वेतन जो भी है उस वेतन का 50% आपको पेंशन के तौर पर दिया जाएगा, जबकि इस स्कीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नई स्कीम में ये है जो आपने अपनी सर्विसेज के दौरान जो आपकी सैलरीज का उसका 10% जो आपने जमा किया है और सरकार का अपना एक अंशदान है, उस अंशदान को जोड़ के जो मार्केट में पैसा लगाया गया उसका एक हिस्सा आपको वापस मिलेगा और एक हिस्सा आपको पेंशन के तौर पर हर वार्षिक या मासिक रूप से आपको दिया जाता रहेगा, उसमें जो भी मार्केट में वैल्यू एडिशन होगा। तो आज जब वो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उस फंड में पैसा बहुत मामूली ही जमा है, इसलिए उनको जो पेंशन मिल रही है वो बहुत मामूली मिल रही है। तो पहला अंतर तो ये है, इसमें कोई निश्चित तौर पे कोई पेंशन की रकम तय नहीं है, जो कर्मचारी चाहता है एक सिक्योरिटी हो उसके जीवन में, निश्चित रकम उसको दी जाए। दूसरा, पुरानी पेंशन के अंदर
कर्मचारी की मौत के बाद डेथ मैच्योरिटी मिलती थी, ग्रेच्युटी मिलती थी, जो परिवार को मिलता था, और परिवार को उसका पेंशन भोगी भी, उसका परिवार जो उसके आश्रित लोग थे उनको दिया जाता था। लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हालांकि बाद में संशोधन करके किया गया और इसमें भी न्यू पेंशन स्कीम में भी एक रकम तय की गई, जो पैसा जमा है सो कुछ हिस्सा सरकार पेंशन की तरह रखेगी और बाकी पैसा परिवार को दे दिया जाएगा। लेकिन वो गारंटी जो पुरानी पेंशन में, वो नई पेंशन में नहीं है। इसके अलावा जो तीसरी बात इसमें आती है वो ये है, जो न्यू पेंशन स्कीम में एक रिस्क है जो कि पुरानी पेंशन स्कीम में नहीं थी, वो रिस्क आपके पैसा कितना कब कहाँ मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरा, उसमें महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन स्कीम में अगर कर्मचारियों जैसे महंगाई भत्ता और वेतन आयोग बढ़ते थे महंगाई भत्ता, तो वो पेंशन में एड ऑन होकर मिलता था। ये मान के चलिए अगर किसी के आज 50,000 पेंशन है और उसका महंगाई भत्ता 10% सरकार ने बढ़ाया है इस साल, तो वो उसको प्लस होकर मिलेगा, जो कि न्यू पेंशन स्कीम में ऐसी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा क्या था, जो पुरानी पेंशन स्कीम में अगर कोई गलती होती है तो कर्मचारी को सरकार से लड़ना है, लेकिन ये जो नई पेंशन स्कीम है ये प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट प्लेयर इसको फंड को रेगुलेट करते हैं या इन्वेस्टमेंट है, तो ये सरकार के खिलाफ लड़ाई ना लड़के इनको निजी खिलाड़ियों, निजी प्लेयरों के तौर लड़ना पड़ता है। तो इससे कर्मचारियों को लेके एक बड़ी दुविधा रहती है, कर्मचारी इसके खिलाफ हैं और चाहते हैं जो उनकी पेंशन गारंटी हो और सरकार वो पेंशन उनको दे। अगर हम देश भर में सरकारी कर्मचारियों को देखें तो करोड़ों, 1 करोड़ के आसपास कुछ कर्मचारी, उससे ज़्यादा ही कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवाओं में लगे हुए हैं, पक्के या अर्ध सरकारी के तौर पे भी जो लगे हैं, जिनको पेंशन मिलती है। तो ये पिछले समय से, लंबे समय से आंदोलन होता रहा और भविष्य में भी आंदोलन है, और इस विषय को और ठीक से समझने के लिए और कर्मचारियों का पक्ष जानने के लिए हमने सर्व कर्मचारी संघ के नेता और जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है उसके नेता सुभाष लांबा जी से बात की और समझने का प्रयास किया जो वो इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं। दरअसल एनपीएस जो है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसका कर्मचारी विरोध इसलिए कर रहे हैं कि इसको हम नो पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं। जो पुरानी हमारी पेंशन है, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें जो लास्ट में पे ड्रा करता है एम्प्लॉइज, उसकी 50% की गारंटी है और उसका पैसा कोई कटता नहीं है पेंशन के एवज में, और यहाँ 10% कर्मचारी का शेयर भी कटता है और पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। ये शेयर पर आधारित पेंशन स्कीम है। और अब हमारे सामने जो केस आ रहे हैं, जिसकी 60,000 तनख्वाह है, उसकी 2-2, 2.5-2.5 हज़ार, 3-3 हज़ार पेंशन बन रही है। इसलिए जो सरकारी कर्मचारी है वो पूरी अपनी जवानी सरकारी सेवाओं में देता है, तो जो उसके बुढ़ापे का सहारा है अगर वो उसे छीन लिया जाए तो काफ़ी, मतलब ये दर्दनाक है। और ये सरकार ने जनवरी 2004 से किया है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की हम मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो बिल्कुल बिल्कुल ही घोर आपत्तिजनक, निंदनीय है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वयं राज्यसभा में बोलते हुए कहते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम ये जो राज्य कर रहे हैं वो पाप कर रहे हैं, इस पाप को राज्य सरकारों को नहीं करना चाहिए। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि अगर ये पाप है तो वो स्वयं इस पाप में क्यों भागीदारी कर रहे हैं। तमाम एमएलए और एमपी जितनी बार भी बनेंगे वो पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेंगे, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी 30-32 साल नौकरी करने के बाद भी उसको पेंशन से वंचित कर दिया गया है। और अब जो लगातार आंदोलन हो रहे हैं उसके दबाव में, अब केंद्र सरकार ने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, लेकिन उसका टर्म एंड रेफरेंस उस कमेटी का पुरानी पेंशन बहाली नहीं है, एनपीएस में ही कुछ संशोधन कुछ क्या कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट उस कमेटी के लिए बोला है कि उसमें संशोधन की रिपोर्ट कमेटी दे। इसलिए हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि हमें एनपीएस में कोई संशोधन मंजूर नहीं। पीएफआरडीए एक्ट, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट, संसद से रद्द किया जाए और पुरानी पेंशन बहाल करते हुए जनवरी 2004 से इसको पूरे देश के कर्मचारियों पर लागू किया जाए। इसके अलावा हमारी कोई मांग नहीं है। और इस मांग को लेकर के 3 नवंबर को केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी रामलीला ग्राउंड में एक ऐतिहासिक भूतपूर्व रैली करने जा रहे हैं। और सरकार का हमारा ये आग्रह है कि रैली से पहले सरकार इस पर पुनर्विचार करे और पुरानी पेंशन बहाली करने पर ठोस कदम उठाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो निश्चित तौर से दो हम बातें कहना चाहते हैं। एक तो रैली के अंदर हम अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे, दूसरा ये कहना चाहते हैं
कि जो हमारे एनपीएस के करोड़ों कर्मचारी हैं, उनके परिवार हैं, परिजन हैं, ये इतना बड़ा आंकड़ा है, निश्चित तौर से लोकसभा के चुनाव में अगर ये पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो सरकार को, बीजेपी को, उसके सहयोगी दलों को ये कर्मचारियों के, उनके परिजनों का नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। ये हमारा आंदोलन 8 दिसंबर 2022 से कंटिन्यूसली चला हुआ है। जो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं आप, वहां भी हमारा संगठन है जो इस आंदोलन कर रहा है, और पीछे हफ्ते भर की एक स्ट्राइक भी वहां की है और सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार जो पुरानी पेंशन बहाल कर रहे हैं, चाहे राजस्थान की बात है, हिमाचल की बात है, छत्तीसगढ़ झारखंड की बात है, लेकिन अगर वहां सरकार बदलती है तो सिंपली एक नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी, पुरानी पेंशन खत्म, एनपीएस लागू। क्योंकि त्रिपुरा में हमने देखा कि 2018 से पहले लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, पुरानी पेंशन लागू थी, और जैसे ही 2018 में बीजेपी की सरकार वहां आई तो नोटिफिकेशन जारी करके वो पुरानी पेंशन खत्म करके एनपीएस ले आई। इसलिए इसका स्थायी समाधान तो संसद के द्वारा बनाए गए पीएफआरडी एक्ट को रद्द करके पूरे देश में एक साथ पुरानी पेंशन बहाल करनी चाहिए। देखो, देश की संसद सर्वोच्च संस्था है कानून बनाने के लिए जी। और उसी में वो पीएफआरडी एक्ट रद्द हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कानून के द्वारा सारा पैसा भी वापस दिलाया जा सकता है और पुरानी पेंशन बहाली हो सकती है। ये पैसा एक मुश्त नहीं जमा होगा, वापसी एक मुश्त नहीं होगा ये, और ना ही ये कहीं जाएगा, ये सरकार के पास ही पैसा रहेगा। ये सरकार को हम एक बार बता चुके हैं, कर्मचारी के पास नहीं आएगा ये पैसा। अब जो एनपीएस में पैसा है, आपके संज्ञान में लेना चाहता हूं, उसमें सरकार खर्च नहीं कर सकती, वो प्राइवेट प्लेयर खर्च कर रहे हैं उसको जी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर को जब हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं, और देश के संसद कानून बनाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। एक मुश्त पैसा ट्रांसफर की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो धीरे धीरे करके मतलब हो जाएगा। और पेंशन जो है, जो एनपीएस का कर्मचारी है वो कल से ही पेंशन नहीं लेगा, बहुत कम संख्या है, ये 15-20 साल के बाद में संख्या बढ़ेगी, अब कोई संख्या उस तरीके की नहीं है। तो इसलिए सरकार ये नैरेटिव सेट कर रही है कि भाई इतना बड़ा पैसा कैसे आएगा, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो इसका सबका समाधान हो सकता है, क्योंकि एनपीएस के तहत पेंशन लेने वाले कर्मचारी की संख्या बहुत कम में है, ज्यादा नहीं है। अगर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो आने वाले समय में देखते हैं ये कर्मचारियों को, जो सबसे ज्वलंत एक सवाल है वर्किंग भारत के अंदर, जो पूरे भारत में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके सबसे बड़ा सवाल है, जो पुरानी पेंशन किसी हाल में बहाल किया जाए, ये आंदोलन कितना आगे जाता है, इसका असर क्या होता है। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ क्लिक। इस आंदोलन से लेकर और देश की बाकी राजनीतिक घटनाओं पर जो भी अपडेट होगा, न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेकर आता रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।